वो बुक हो गई एक उसकी प्रदीप्स की 11th की, तो वो बुक उससे लेके उसमें से क्वेश्चंस करना। और बाकी लोगों के पास भी बुक्स होंगी 11th की, अगर किसी के पास है प्रदीप्स वाली बुक है किसी के पास तो प्रदीप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जहाँ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भेज दूंगी आपको, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ओके स्नेहा। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। स्नेहा बुक है कोई तुम्हारे पास अभी? स्नेहा बुक है कोई केमिस्ट्री की? नहीं है। एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी का एक ऐप मैम एनसीईआरटी का वो डाउनलोड कर लो तुषार। आपने जो भेजा था। हाँ मैंने जो उस पे लिंक, मैंने सिर्फ आइकन भेजा है, वो आपको उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कर लिया। हाँ कर लेना, उससे आपको फायदा होगा। तनिष यस मैम। आ रही है? हाँ आ जा रहा तुम्हारे पास तो प्रदीप्स की है। बुक है तो तुम तो उससे कर सकती हो, यस क्वेश्चन मैम। सॉल्व किए हैं तुमने, नहीं मैम कल नहीं करे। करे कल नहीं करे, चलो पर कर लेना, ठीक है ना। ओके मैम। यस मैम। हाँ कर लेना, पर हम दोबारा बोलूं कि 1.14 ग्राम ए रिएक्शन करता है 0.16 ग्राम बी से, और 0.05 ग्राम सी रिएक्शन करता है 0.35 ग्राम ऑफ ए से, और 0.2857 ग्राम सी रिएक्शन करता है 2.2857 ग्राम बी से। तो शो दैट दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन ए बी, ए बी में वेट ऑफ ए कितना दे रखा है आपको, वेट ऑफ ए दे रखा है आपको 0.14 ग्राम, और वेट ऑफ बी दे रखा है आपको 0.16 ग्राम। हम यहां क्या करेंगे कि ए के अमाउंट को कांस्टेंट करेंगे, ए के अमाउंट को फिक्स करेंगे, ठीक है। ए के अमाउंट को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.14 ग्राम ए रिएक्ट विद 0.16 ग्राम ऑफ बी, 0.16 ग्राम ऑफ बी, देन 1 ग्राम, 1 ग्राम कितने से करेगा, 0.16 × 1/0.14, तो ये अमाउंट आ गया आपका 1.142 ग्राम। नोट कर लीजिए चेतना का, मेरे को लगता है कि चली गई, लीव कर गई है चेतना, उसका वीडियो। नेटवर्क नहीं आते हैं। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं खुद तीसरी मंजिल पे बैठी हुई हूँ। हाँ 1.142 ग्राम बी से रिएक्शन करता है, मतलब 1 ग्राम ए जो है 1.142 ग्राम बी से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। आगे यस मैम। हाँ आगे इन ए सी, ए सी में क्या है, ए का वेट दे रखा है आपको ए सी में 0.35 ग्राम, और सी का वेट दे रखा है 0.05 ग्राम। तो सेम हम ए को ही फिक्स करेंगे, ए को फिक्स करेंगे फिर से, तो हम क्या लिखेंगे, 0.35 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद 0.05 ग्राम ऑफ सी, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 1 ग्राम करेगा 0.05 × 1/0.35, तो ये अमाउंट आपका आया है 1.42 ग्राम, 1.42 ग्राम। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया बेटा। मैम 2 मिनट। हाँ कर लो, कर लो, नोट कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन लेफ्ट कर गया, राज, सुजल, हर्षित, तनिष्क कहाँ गई आज, तनिष्क का लीव कर गया आज,
चलो कोई बात नहीं, हो गया मैम। हाँ ठीक है, इसके बाद करेंगे, इसके बाद हम करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बी और सी। तो बी का अमाउंट दे रखा है आपको कितना, 2.287, और सी दे रखा है उस वक्त आपको 0.2857, 0.2857। ठीक है, 0.2857। समझ में आया? अब आपने क्या निकाला है? Yes, ma'am. आपने पहले बी का अमाउंट निकाला था जो अभी आपने फॉर्मूले से निकाला है, 1.1428। हाँ हाँ तनिष मैम, ये सी में टू, मैम ये सी में 0.285 नहीं आएगा? 2857 तो है, 2857 ही तो है जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आपको इतना ही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.2857 ग्राम ऑफ सी कंबाइंड विद 2.2857 ग्राम ऑफ बी। तो हम क्वेश्चन, हां तो मैम आपने 5, आपने 5 नहीं लिखा, बी में लिखा तो है मैम, बी में। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2857 ठीक है, 2.2857। अब इसमें देखो, हमने जो क्वेश्चन से निकाला था अभी, पहले निकाला है ना ए और बी से और ए और सी से, उसमें बी का अमाउंट आया है 1.1428 और सी का अमाउंट कितना आया है आपका 1.428। अब इस वाले डाटा को ना हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाले डाटा को हम दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा 2.2856 और ये आता है हमारा 2.856। अगर हम देखें तो इनमें एक रेशियो है, ये दोनों तो वन है, और इसमें जो रेशियो है वो कितना है, 10 का। ठीक है, इसमें और इसमें तो वन का रेशियो हो गया, यानी ये तो आपके फिक्स हो गए, और इसमें 1:10 का रेशियो हो गया। तो ये इस बात को फॉलो कर रहा है कि ये डाटा जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। समझ में आया? हाँ भाई। यस मैम। तनिष्क हम नहीं आया। नहीं आया, देखो बेटा दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में, दो क्वेश्चन तो हमें ए और बी दे रखे थे, तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा था बी और सी का। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 0.2857 ग्राम बी फ्रैक्शन करता है 0.2857 ग्राम सी से। ये तो क्वेश्चन से है, क्वेश्चन में दिया है ये तो, ठीक है। अब हमने पहले इस क्वेश्चन में को हमने सॉल्व किया था, तो हमने ए बी में बी का अमाउंट कितना निकाला था, बी का अमाउंट निकाला था आपने कितना, 1.1428 इतना ही निकाला था, और ए सी में सी का अमाउंट कितना निकाला था, सी का ये निकाला था हमने 1.428 निकाला था। आप चले गई थी शायद बीच में, ऑडियो मिस हो गई थी, ऑडियो नहीं आ रही थी आपकी, ऑडियो नहीं आ रही थी। अब आप yes, देखो अभी हमने क्वेश्चन जब किया था तो मैंने ए बी और ए सी में दोनों में मैंने बी ए को फिक्स किया था और बी का अमाउंट निकाला था, तो बी का अमाउंट हमारा इतना आया था, और ऐसे ही ए सी ए का अमाउंट फिक्स किया था और सी का अमाउंट निकाला था, तो ये इतना आया था। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया है कि ये तो हमारा क्वेश्चन से आया हुआ है और ये हमने निकाला है, ये हमने निकाला है, ये आया है 1.1428 और सी हमारा आया है 1.428। अब एक चीज बताओ, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? क्यों भाई, अगर मैं इस 1.142 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 2.286 नहीं बन जाएगा, 2856 नहीं बनेगा, बनेगा ना। मैंने क्या किया, इस वाले डाटा को, इस वाले डाटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले डाटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आया 2.2856, और ये आया, ये वाला जो सी वाला अमाउंट है, ये आया आपका 2.2856। ठीक है, अब देखो ये डाटा और ये डाटा लगभग बराबर है, ये डाटा और ये डाटा लगभग बराबर है भाई, ये 2.2857 है, ये 2.2856 है, बराबर है। इसका मतलब ये डाटा तो बराबर हो गया, इनके बीच में जो रेशियो है वो 1 है, इनके जो बीच में रेशियो है वो 1:1 है कि नहीं है। अब सी पे, अब सी पे आ जाओ, सी का अमाउंट कितना है यहाँ पर 0.2857, और यहाँ कितना है 2.856। अगर इन दोनों में हम कोई रिलेशन देखें तो इनमें आएगा रिलेशन 1:10 का, कितने का रिलेशन आ रहा है, 1:10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, इनके बीच जो रेशियो है वो तो 1:1 है, लेकिन सी और सी के बीच में जो रेशियो है वो 1:10 का है। ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जब दो एलिमेंट को आप किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हो तो एक फिक्स अमाउंट में वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, और तीसरा एलिमेंट जो है वो उन दोनों के साथ में एक होल नंबर रेशियो शो करता है। यानी देखो ए बी और सी के साथ इक्वल रेशियो शो कर रहा है, और फिर यहां पर आपने देखा बी और सी के बीच में भी एक रेशियो क्रिएट हो रहा है 1:10 का, ये पूरा 1 हो गया, और सी के बीच में जो रेशियो है वो 1:10 का रेशियो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल को शो करते हो इस। अच्छा एक और बहुत आराम से समझ लेना इस चीज को, इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन हुआ या आपका कॉन्स्टेंट कंपटीशन हुआ उसमें केवल 2 एलिमेंट की बबात करते हैं हम, और रेसिप्रोकल में हम 3 एलिमेंट की बात करते हैं हमेशा, जहां पर 2 एलिमेंट आपस में भी कंबाइन करते हैं और किसी तीसरे से भी कंबाइन करते हैं, और उन सब में आपस में एक होल नंबर रेशियो होता है। क्लियर हो गई बात। अब एक क्वेश्चन और करा, yes, फिर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है 1.39, इसमें देखो हमें पहले केसीएल दे रखा है, केसीएल में के का अमाउंट दे रखा है आपको 52%, फिर दे रखा है के आई में के का अमाउंट दे रखा है 23.6%, और फिर दे रखा है आपको आईसीएल, इस आईसीएल में आई का अमाउंट दे रखा है आपको 78.2%। पहले इतना नोट करो, यानी यहां पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक के है, एक सीएल है और एक आई है। के सीएल और आई दोनों से रिएक्शन भी कर रहा है, और सीएल और आई आपस में भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंपाउंड बने हैं। पहले इसे नोट करो, फिर मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। नोट करो पहले इसको, कर लिया, हो गया, कर लिया? सोई नहीं है क्या? के ये सीएल और ये आई, ठीक है, के सीएल से भी रिएक्शन कर रहा है, के आई से भी रिएक्शन कर रहा है, सीएल से रिएक्शन करके के आई बना रहा है, और सॉरी सीएल के सीएल बना रहा है, और के आई से रिएक्शन करके के आई बना रहा है, और ये आपस में रिएक्शन करके आई सीएल बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी यहाँ पर 3 yes, ma'am. कर रहे हैं, के सीएल से भी रिएक्शन कर रहा है और के आई से भी रिएक्शन कर रहा है, और आई के से भी रिएक्शन कर रहा है और के और सीएल से भी रिएक्शन कर रहा है, और सीएल आई से भी रिएक्शन कर रहा है और के से भी रिएक्शन कर रहा है। 3 एलिमेंट की बात हो गई, 3 एलिमेंट आते ही दिमाग पर रेसिप्रोकल आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, ट्रिक समझा रही हूँ इस चीज की, 3 एलिमेंट आते ही दिमाग में रेसिप्रोकल आ जाना चाहिए आपके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इन केसीएल, और मैंने आप लोगों को बताया जब परसेंटेज होता है तो हम उसे 100 ग्राम मान लेते हैं, जब परसेंटेज होता है तो 100 ग्राम मान लेते हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। अब देखो मिटा रही हूं मैं इसको, अब देखो इन केसीएल हमारे पास के का अमाउंट कितना है 52%, यानी सीएल हमारा
केसीएल हमारा पूरा 100 है, के का अमाउंट 52% है, तो सीएल कितना हो गया 100 माइनस 52, कितना हो गया 100 माइनस 52, तो कितना बन गया ये बन गया आपका 48. ठीक है, अब आप आ जाओ 48%. हाँ 48%. ठीक है, अब आ जाओ आप एक को फिक्स कर लो इसमें से. हम इसमें से फिक्स कर रहे हैं K को फिक्स कर रहे हैं हम. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 52 ग्राम K रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ Cl. तो 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा 48 इंटू 1 अपॉन 52 करो 48 इंटू 1 अपॉन 52 कितना आया ये वैल्यू आ गई आपकी 0.92923 कुछ भी लिख लो 92308 कोई बात नहीं कर लिया नोट कर लिया यस मैम ठीक है इसके बाद आप क्या करोगे अब आ जाओ आप इन के आई को भी हम 100 ग्राम मान लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में दे रखा के का अमाउंट दे रखा 23.6% तो आई का अमाउंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 23.6 तो ये हो गया आपका 76.4 कितना हो गया 76.4 फिर वही काम करेंगे हम कि 23.6 ग्राम के रिएक्ट विद 76.4 ग्राम ऑफ आई तो 1 ग्राम कितने से करेगा 76.4 इंटू 1 अपॉन 23.6 तो ये कितना आ गया ये आ गया लगभग 3.2 ये आ गया लगभग 3.2 नोट कर लो ये आ गया लगभग 3.2 ठीक है अब आ जाओ आईसीएल पर आईसीएल भी आपका 100 है इसमें आई का अमाउंट दे रखा है आपको 78.2 तो सीएल का अमाउंट कितना हो गया 100 माइनस 78.2 तो कितना हो गया ये 21.8 यानी इस केस में आई और सीएल के वेट में क्या रेशियो हुआ है 21.8 रेशियो 78.2 ठीक है और जो हमने वो जो दूसरे केस निकाले थे पहले केस में सीएल का अमाउंट कितना आया था आपका 0.923 इतना ही आया था पहले वाले केस में केसीएल वाले केस में और केआई वाले केस में आई का 3.2 अब देखो इनमें कोई रेशियो नहीं बन सकता पहले से इतना नोट करो फिर मिटाऊंगी मैं स्पेस चाहिए मुझे लिखने के लिए नोट करो हो गया चेतना का आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है चेतना का प्रॉब्लम है नेट की अब देखो आईसीएल में आई और सीएल के बीच में आई है आपका 78.2 और सीएल है आपका 21.8 अगर मैं 21.8 से 78.2 को डिवाइड कर दूं तो कितना आता है सुजल पता फटाफट 21.8 से 78.2 को डिवाइड कर फटाफट जल्दी दो मिनट जल्दी कर थ्री पॉइंट फाइव आएगा हाँ?
3.5 आएगा। अरे और बाकी लोग सब मैथ ले ले वाले हो, नॉन मेडिकल में जल्दी सॉल्व करो उसको। 78.2 को 1.8 से। राज राज सर यू तो नहीं आया आज? राज हर्ष यस मैम जल्दी डिवाइड कर, बैठा लेजी की तरह मत बैठा कर, एक्टिव बन, जल्दी डिवाइड कर। हर्षित निखिल सब लोग मैथ नहीं होती, मैथ नहीं होती, मैथ नहीं होती, नॉन मेडिकल ले रहा है तो मैथ कैसे नहीं होती? ये मैथ तो करनी पड़ेगी, मेडिकल की है, मैं मेडिकल ले रहा। अच्छा 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 हाँ तो कोई बात नहीं, सिंपल डिवीजन है ये तो। हाँ सुजल हो गया बेटा? मैम नहीं हो। हाँ ये एक, अरे 21 थी कितने होते हैं? 21 थी कितने है? 21 थी 21 थी 3 3 और 63 3.5 सब लोग।3.44 आ रहा है। कोई बात नहीं, 4446 कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 44 कर दिया मैं, ठीक है। अब देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट लगभग बराबर है। ये अमाउंट देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चलेगा, ध्यान रखना, ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर है और ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रोपोर्शन में वो के सी एल से रिएक्शन कर रहा था, के आई से रिएक्शन कर रहा था, उसी प्रोपोर्शन में आई सी एल से भी रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ गया? जिस प्रोपोर्शन में के सी एल से रिएक्शन कर रहा था, के आई से रिएक्शन कर रहा था, उसी प्रोपोर्शन में आई सी एल से रिएक्शन कर रहा है आई सी एल में। क्लियर? तो ये इस बात को बता रहा है लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मुझे लगता है अब आ जाना चाहिए आप लोगों को, आई थिंक आ जाना चाहिए आप लोगों को। मैम यही वाला बता दो। हाँ ये वाला बता दो फिर से, एक बार फिर से बता रही हूँ। हाँ यही वाला आई सी एल वाला। देख ये जो आई और सी एल का अमाउंट है ना, ये वाला ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और ये वाला जो अमाउंट है ना ये अभी हमने निकाला है। अब देख इनके बीच रेशियो निकाल, इनके बीच रेशियो निकाल और इनके बीच रेशियो निकाल। अगर दोनों रेशियो बराबर आते हैं तो इसका मतलब जिस प्रपोर्शन के साथ आई रिएक्शन कर रहा था या K के साथ CL रिएक्शन कर रहा था, उसी प्रोपोर्शन में ICL में ICL के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? Yes, समझ में? Yes, अब एक नया लॉ लिखो। Yes, इसके मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए जो मेरे पास बुक में थे, बाकी आप लोग प्रदीप की बुक से आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लॉ लिखिए गैलुसाक्स लॉ, GALUSACS है भाई, एपिस्ट्रॉफी एस, गैलुसाक्स लॉ, गैलुसाक्स लॉ। क्या कहता है गैलुसाक्स लॉ लिखिए, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे
डू सो, जब गैस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम, क्योंकि गैस के तो वॉल्यूम रिएक्शन करते हैं ना, गैस के तो वॉल्यूम रिएक्शन करते हैं, ठीक है, दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल 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 होल नंबर रेशियो टू, 10 मिनट रहते हैं, 2-1 एनोदर, 2-1 एनोदर एंड टू द प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसियस, दोबारा सुन लो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन एनोदर एंड टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसियस, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनके वॉल्यूम रिएक्शन करते हैं, गैसेस हमेशा वॉल्यूम की फॉर्म में होती हैं, तो उनके वॉल्यूम रिएक्शन करते हैं और उनके बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, और यदि प्रोडक्ट भी आपका गैसियस है तो उनके बीच भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। निखिल बोलो, कुछ बोल रहे थे बेटा निखिल? नो मैम, या राज का हैंड फावर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, दोबारा सुन लो, जब गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनके वॉल्यूम रिएक्शन करते हैं और उन वॉल्यूम में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, यदि प्रोडक्ट भी आपका गैसियस है तो उसके प्रोडक्ट के साथ भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे एग्जांपल दे रही हूं मैं, लिख लिया मिटा दूं? यस मैम। हाँ, एग्जांपल दे रही हूं, H2+Cl2+2HCl और ये तीनों ही गैस हैं, ठीक है, इसका वन वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम और इसका टू वॉल्यूम, ये जो वन लिखा है ना, मैं इसके आगे वन लगा दे रही हूं, इसे कहते हैं स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री कहते हैं, जो आगे नंबर लगे होते हैं ना रिएक्शन में, मॉलिक्यूल के सामने जो नंबर लगे होते हैं उनको कहते हैं स्टोकियोमेट्री, क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्री, हाँ, स्टोकियो STOCHIOMETRY, स्टोकियोमेट्री, और उसी स्टोकियोमेट्री के हिसाब से आपने वॉल्यूम ले लिया कि एक वॉल्यूम H2 का, एक वॉल्यूम Cl2 से रिएक्शन करता है तो दो वॉल्यूम HCl के बनते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या क्या रेशियो है, इनके बीच में है 1:1:2, इनके बीच में क्या है 1:1:2, यानी आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि 20 ml हाइड्रोजन है और 20 ml क्लोरीन है, तो ये क्या बनाएगी, ये 40 ml HCl बनाएगी। इस लॉ जो स्टोकियोमेट्री होती है ये सिर्फ गैसेस में ही चलती है, जैसे और एलिमेंट्स में भी हर केस में चलती है, हर केस में, जो आप किसी भी रिएक्शन के आगे कोफिशिएंट लगा देते हो ना उसको बैलेंस करने के लिए, उसको हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है, किसी भी केस में आइए, लेकिन यहाँ हम यूज कर रहे हैं उसका ये देखने के लिए कि आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दी और आपसे ये पूछ लिया कि कितनी अमाउंट में HCl बनेगी और किसी एक का अमाउंट दे दिया तो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए आप गेलुशाक का लॉ यूज करोगे, लेकिन गेलुशाक का लॉ जो है वो केवल गैसियस अमाउंट के लिए यूज करते हैं, ये जो लॉ है
ये केवल गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इसको, पहले मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, क्वेश्चन की फॉर्म में है, व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन बर्न इट फॉर्म्स CO2 एंड H2O, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। नोट कर लो फटाफट से क्वेश्चन को, इससे समझ में आ जाएगा बिल्कुल। 5 मिनट रहते हैं हमारे पास। When 100 ml of methane burn it CO2 and H2O, find the volume of oxygen required and CO2 produced. नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, नोट कर लिया? यस मैम। मिटा दू? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, ऐसे में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब जैसे रिएक्शन लिखेंगे, पहले हम इसकी, ये रहा मीथेन, इसकी रिएक्शन कराई आपने ऑक्सीजन से और ये बना रहा है CO2 plus H2O। अब पहले इसे बैलेंस करेंगे हम, यहां हो गया 2, ठीक है, और यहां भी हो गया 2। अब देखो ये गैस की फॉर्म में है, ये गैस की फॉर्म में है और ये भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन ये लिक्विड है, ठीक है। अब देखो इसका 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका 1 वॉल्यूम बनाएगा, समझ में आ गया? हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो लिक्विड में है, H2O से मतलब नहीं है हमें, लिक्विड में है वो। अब आप ध्यान रखो, इसका 1 वॉल्यूम क्योंकि इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है, इसके 2 वॉल्यूम क्योंकि इसकी स्टोकियोमेट्री 2 है, इसके 1 वॉल्यूम से इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है, इससे रिएक्शन करती है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100 ml CH4, 100 ml CH4। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 ml CH4 रिएक्शन करती है 200 ml ऑक्सीजन से और कितनी बनाती है 100 ml CO2। अब इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमें 200 ml तो ऑक्सीजन चाहिए और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आ गया? Yes, इस गैलुशाक के लॉ को यूज करके yes, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, इस गैलुशाक के लॉ को यूज करके आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, स्क्रीन शॉट ले लो भाई इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया। देखो N2 plus 3H2 arrow 2NH3, ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। और क्वेश्चन दे रखा है हमें 7 ml तो नाइट्रोजन है और 7 ml हमारे पास हाइड्रोजन है, तो कितनी NH3 बनेगी और क्या बचेगा, what remain in mixture, what remain in mixture, तो नोट कर लिया? अब आप ध्यान रखना, इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम से इसके 2 वॉल्यूम बनाते हैं, यानी अगर आप देखो आपके पास हाइड्रोजन कितनी है 60 ml, हमारे पास हाइड्रोजन 60 ml है, तो हम रिएक्शन जो करेंगे इस 60 ml के हिसाब से करेंगे। आप घर में जब चाय बनाते हो तो चाय पानी के हिसाब से बनाते हो कि दूध के हिसाब से? दूध के हिसाब से। तो अगर दूध 1 कप है तो चाय आपकी 1 कप के हिसाब से बनेगी,
इस क्वेश्चन को मैं कल रिपीट करूंगी, ठीक है? टाइम इतना बचा नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा, क्योंकि एक मिनट से कम का टाइम रह गया है हमारे पास, तो मैं स्क्रीन आप बंद कर रही हूँ। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग फिर से रिपीट करोगे घर पे, और जितने भी ये लॉ दिए इनको ढंग से याद कर लेना, समझ में आ रहा है ना? इन लॉज को आप लोग ढंग से याद कर लेना, और मैं यही होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको लर्न करने है, ठीक है? चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, मैं कल रिपीट